तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही बेहतरीन AI टूल, जिससे कि आप अपने इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं या आप अपने टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऐसे AI टूल प्रेजेंट है, लेकिन ये AI टूल का सबसे अलग बात ये है कि ये काफी जबरदस्त क्वालिटी में आपकी वीडियो जनरेट करके देती है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप इस AI टूल का कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको अपने ब्राउजर को खोल लेना है और वहां पे जाके आपको लिखना है Prome AI, ठीक है। आपको यहाँ पे डॉट नहीं लगाना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे Prome.ai लिखते हैं तो इसके कारण ये वेबसाइट आपको दिखाई नहीं देती है। आपको सिंपली Prome AI लिखना है या आप यहाँ पे Prome AI.com लिख सकते हैं। उसके बाद आपको जो सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी, आप इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ये वेबसाइट खुलने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा AI टूल प्रेजेंट है। जैसे कि आपको इमेज जनरेट करना है तो आपको बहुत अलग अलग यहाँ पे AI टूल मिल जाएगा। इनका भी यूज करना हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे, लेकिन अभी आज की वीडियो का हमारा मेन एम है इमेज से वीडियो जनरेट करना और टेक्स्ट से वीडियो जनरेट करना। तो दोस्तों, अगर आपको इमेज एडिटिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे AI टूल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे HD अप स्केलर है, मतलब कि आप जो ब्लर इमेज है उसको भी आप HD में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको वीडियो टूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इमेज से वीडियो बना सकते हैं या आप टेक्स्ट से वीडियो बना सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम ये वाले AI टूल का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम टेक्स्ट से वीडियो जनरेट करेंगे। तो दोस्तों, सिंपली आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने AI वीडियो जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पहले से यहाँ पे वीडियो जनरेट किया हुआ है। काफी हाई क्वालिटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो जनरेट हुई है। चलिए मैं आपको कोई भी एक वीडियो चला के दिखा देता हूँ कि कितनी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे वीडियो जनरेट हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ गया और आपको यूज करना है तो सिंपली आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, विथ वाटरमार्क के ऊपर आपको क्लिक करना है और ये वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप ये वीडियो को डाउनलोड करेंगे, आपको कुछ ऐसा वाटरमार्क नीचे देखने के लिए मिलेगा। तो आप उस वाटरमार्क को कैसे हटा सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए हम अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखते हैं और अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से हम वीडियो जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्यूटीफुल गर्ल्स वॉक ऑन गार्डन हाई क्वालिटी वीडियो। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कैसा आपको वीडियो जनरेट करना है वो आपको चूज कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे जनरल कमर्शियल चूज कर लेता हूँ, ठीक है। आपको बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं फोटोग्राफी में जाके और जनरल कमर्शियल यहाँ पे चूज कर लिया। और उसके बाद आपको स्केल का भी काफी सारा ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कौन से रेशियो में अपने वीडियो को जनरेट करना चाहते हैं। तो अभी मैं यूट्यूब के लिए वीडियो जनरेट कर रहा तो 16:9 यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको एक लो मोशन मिलेगा, एक हाई मोशन मिलेगा। अब लो मोशन में क्या होता है कि अगर आपको स्पीड वीडियो की कम रखनी है तो आप लो मोशन कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो की स्पीड हाई रखनी है तो आप हाई मोशन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वीडियो जनरेट हो गई है। चलिए मैं आपको ये वीडियो चला के दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये वीडियो कितनी प्यारी जनरेट हुई है, काफी हाई क्वालिटी में ये वीडियो जनरेट हुई है। अगर आपको ये जो लोगो आ रहा है इसको रिमूव करना है तो वो कैसे आप कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, आपको सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, विथ वाटरमार्क के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपकी वीडियो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों,
चलिए मैं आपको एक और वीडियो जनरेट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नया प्रॉम्प्ट लिख दिया है और जो ये सेटिंग है इसको मैं बिल्कुल सेम रखने वाला हूँ। चलिए मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे फोटोग्राफी में ही आता हूँ और इसको मैं जनरल सिमेंटिक कर देता हूँ, ठीक है। और इसे मैं ये स्केल जो है इसे सेम ही रखूंगा और मोशन हाई रखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा हमारी वीडियो यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी हाई क्वालिटी में इसने मुझे वीडियो जनरेट करके दे दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना जबरदस्त वीडियो लग रहा। तो दोस्तों इस वीडियो का आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे यही दिख रहा होगा कि यहाँ पे लोगो आ गया, तो इसको कैसे आपको रिमूव करना है वो तो हम बताएंगे ही, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो को डाउनलोड करना है तो सिंपली आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करिए और उसके बाद आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी वीडियो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम अपनी वीडियो के सेकेंड पार्ट के ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे इमेज से वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है और वीडियो वाले सेक्शन के ऊपर आएंगे तो आपको इमेज टू वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इमेज टू वीडियो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद जो भी आपको इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है उसको आप सेलेक्ट करिए और ओपन के ऊपर क्लिक करिए। आपका जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज था वो यहाँ पे अपलोड हो गया है और यहाँ से आप अपने मोशन को हाई और लो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको जनरेट के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका वीडियो है वो यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज थी वो वीडियो में कन्वर्ट हो गई है। चलिए मैं आपको ये वीडियो चला के दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वाली हमारी इमेज थी और ये वीडियो में कितनी प्यारी कन्वर्ट हो गई है। दोस्तों आपको सिंपली ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों चलिए हम अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट के ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो भी वीडियो हमने डाउनलोड किया वहां पे इनका लोगो आ गया है तो उस लोगो को आपको कैसे रिमूव करना है। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाके सर्च कर लेना है लोगो रिमूवर फॉर वीडियो। उसके बाद आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, आप कोई भी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जो सबसे पहली वेबसाइट आई है ऑनलाइन वीडियो कटर, मैं इसका यूज करने वाला हूं। तो इसके ऊपर क्लिक करिए, उसके बाद आपको ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी वीडियो है उसको आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक ये आपकी फाइल को एनालाइज कर रहा। दोस्तों आप जैसे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे आपकी कंप्लीट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपका जहाँ पे लोगो है उस पार्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला पार्ट जो है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये इनकोडिंग करेगा और उसके बाद अपने वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने ये वीडियो को डाउनलोड कर लिया। चलिए मैं आपको ये वीडियो चला के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो को यहाँ पे खोल दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे लोगो आ रहा था वहां से हमारा लोगो रिमूव हो गया है। तो दोस्तों ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि हाई क्वालिटी में अपनी वीडियो को जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो काफी जबरदस्त AI टूल है जिसका नाम है Prom AI। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से जुड़ी हुई वीडियो बनाते रहते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।